अबूबसर राजस्थान कैनाल पर चल रहा किसानों का धरना आखिरकार 19 दिनों के बाद समाप्त हो गया। बड़ी अपडेट आपको किसानों की एक जोड़ी बड़ी कामयाबी से दे रहे हैं, जहां पर किसानों का धरना पिछले 19 दिनों से तकरीबन जो राजस्थान कैनाल के एक किनारे पर चल रहा था और किसानों की तरफ से बड़ी मांग रखी गई थी कि जो जामनगर हाईवे के लिए अधिकृत की गई भूमि है उसकी मुआवजा राशि है वो बहुत कम है, 4 गुना दी जाए, साथ ही किसानों को खाल रास्ते और तमाम जो दिक्कतें आएंगी इसके बाद जिस तरीके से भूमि का बंटवारा होगा उसकी समस्या का हल भी स्थायी तौर पर दिया जाए, ये तमाम बड़ी मांगें थी। जहां पर किसानों का आरोप था कि जमीन जब अक्वायर की गई तब धोखे से जो ब्लॉक का रेट था वो कम कर दिया कलेक्टर रेट, और जो 4 गुना दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया, बल्कि किसानों को 1.25, 50 और 75 के हिसाब से तकरीबन 26 से 27 लाख में संतोष करना पड़ा था। लेकिन किसानों की जिद थी कि उनका धरना तब तक चलता रहेगा जब तक NHAI की तरफ से उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में नहीं पहुंचते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, किसानों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और लगातार सड़क के किनारे बैठकर किसानों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। लेकिन आज जाकर डबवाली से SDM तहसीलदार और DRO सिरसा व NHAI के हिसार डायरेक्टर परियोजना जो निदेशक हैं प्रोजेक्ट के, वो किसानों के बीच में पहुंचे और उन्होंने कबूल किया इस बात को कि जो किसानों की मांग है वो जायज़ है, जल्द ही उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और किसानों ने कहा कि वहां पर जो अवार्ड बनाया गया वो बहुत गलत है, क्योंकि जिस तरीके से अबूबसर सहित 11 गाँव इस हाईवे के अंदर आते हैं उनमें दोबारा से इसको रिवाइज़ किया जाए पूरे अवार्ड को, जब ज़मीन अक्वायर की जाएगी उसके लिए जो कलेक्टर रेट 3 साल पहले का था वो करीब 15,40,000 था, लेकिन किसानों की मांग है कि उसे मौजूदा मार्केट रेट में शामिल किया जाए, क्योंकि अब ज़मीनों की जो वहाँ की जो कीमत है वो करीब 27 से 28 लाख रुपये है। तो किसानों का यह कहना है कि उसी मार्केट रेट के हिसाब से 4 गुना उनको मुआवजा दिया जाए। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि धरना 31 दिसंबर तक किसानों ने स्थगित कर दिया है और अब बड़ी मांग रखी गई है जो नहरों के ऊपर ओवरब्रिज बनेगा, बांध तैयार होगा, क्योंकि हाईवे की ऊंचाई 6 मीटर थी, जिसे डिपार्टमेंट ने माना है कि इसका लेआउट दोबारा नए सिरे से बनेगा ताकि इसकी ऊंचाई की जो सही पैमाइश है वो तय हो सके। और किसानों ने कहा है कि जिस तरीके से तमाम जो गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी मांग है कि जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो 4-4 टुकड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से हाईवे की 6 लाइन अंदर से निकलती है तो कई किसानों के इस तरीके से टुकड़े विभाजित होते हैं कि वो कहीं उनको संतोष नहीं हो सकता, ना वो आगे के हैं ना वो पीछे के हैं, क्योंकि बड़ी मशक्क़त होगी। और तेज हरियाणा ने भी इस पूरे मामले को ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया था और एक बड़ी जीत किसानों की हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने किसानों से वक्त मांगा है, एक आश्वासन दिया है किसानों को डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनकी तमाम मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। और फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि धरनारत जो मुख्य किसान थे दयाराम लानिया, उन्होंने इस बताया है पूरे किसान इस प्रोटेस्ट के प्रवक्ता कि फिलहाल धरने को 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और किसानों ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि पूरा स्टाफ NHAI का वहाँ पर पहुँचा था, तहसीलदार डबवाली से SDM वहाँ पर पहुँचे थे, सिरसा से DRO वहाँ पर पहुँचे थे और हिसार से जो डायरेक्टर हैं पूरे NHAI के वो किसानों के बीच में रहे, लंबा वार्तालाप का वक्त चला और आखिरकार किसानों के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और किसानों की तरफ से ये भी तय किया गया कि जल्द से जल्द उनकी तमाम मांगों को पूरा किया जाए, अदरवाइज किसानों की तरफ से धरने को बड़ा रूप दिया जा सकता है। मगर कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर किसान को इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी क्यों पड़ी, क्यों किसानों को प्रोटेस्ट की राह पर आना पड़ा। यही बात दूसरे या पहले दिन ही प्रशासन किसानों के बीच में आकर कर सकता था, मगर किसान है साहब कि उसे हर बात के लिए अपनी जीत के लिए उसे झगड़ना लड़ना पड़ता है और अपने हकों को वो तभी बुलंद कर पाता है जब वो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। जिस तरीके से पूरे देश में 3 अध्यादेशों को लेकर किसान आक्रोशित है, उसी तरीके से जामनगर हाईवे को लेकर जो अधिकृत की गई भूमि है उसकी मुआवजा राशि की मांग को लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था कि वो तब तक अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी तमाम जो भारत माला परियोजना के तहत जो हाईवे का निर्माण होना उसमें तमाम जो त्रुटियों को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक किसान किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार
तहसीलदार, एसडीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों के बीच में आकर इस बात को कबूलना पड़ा, मानना पड़ा कि किसानों की बातों पर दोबारा से मंथन होगा ताकि रही कमियों को पूरा किया जा सके। तो बड़ी अपडेट यह है कि किसानों की बड़ी जीत हुई है। डबवाली अबूबशहर हाईवे पर चल रहा किसानों का धरना अब समाप्त हो गया है। इस खबर को अगर आप किसान हैं, किसान से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम कवरेज करते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़ी बात है, इसी मुद्दे पर इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला किसानों के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वे भी दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे, डीआरओ से बात करेंगे। और धरना जो रोज़ प्रदर्शन था उसमें खुद दो दिन पहले जो दिग्विजय सिंह चौटाला किसानों के बीच में पहुंचे थे, किसानों की तरफ से उन्हें भी एक ज्ञापन दिया गया था। तमाम जो बातें थी किसानों ने उनके बीच में रखी थी। उन्होंने आश्वस्त किया था किसानों को कि जो भी उनकी समस्या है उनको वो जल्द से जल्द दुष्यंत चौटाला से उसके बारे में मंथन करेंगे। और जो रोष प्रदर्शन है और उसके जो बठिंडा से जामनगर जो हाईवे को लेकर है उसके ऊपर उन्होंने किसानों के बीच में आकर बैठकर बातचीत की थी। और किसानों ने इस बात की जिद की थी कि खुद डिपार्टमेंट उनके धरने के बीच में आकर उनकी बात को सुने। तो दिग्विजय सिंह ने खुद इस बात को कबूल किया था कि वे तुरंत प्रभाव से तमाम अधिकारियों से NHIA से वे संपर्क साधेंगे ताकि किसानों की समस्या का हल हो सके। उन्होंने इस वक्त धरने पर किसानों को क्या कुछ कहा था ये भी आपको सुनवाते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि किसानों का धरना समाप्त हो गया है, फिलहाल 31 दिसंबर के लिए स्थगित किया गया है। सारी बात रियलिटी है, हाँ जी जरूर। हमारी मीटिंग तो बहुत DRO साहब ने उसके बाद फिर आप लोग मिलके चंडीगढ़ आ जाओ भाई जी, जल्दी थे हुक्म करोगा आपको संदेश दे देंगे। ठीक है, ठीक है।